छपरा शराब कांड में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए शनिवार को चिराग पासवान पहुंचे। चिराग वहां लोगों से मिलकर भावुक हो गए। मृतक के परिजन भी चिराग को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि छपरा में शराब पिलाकर 150 लोगों की हत्या हुई है। जहर देकर किसी को मारने को हत्या ही कहते हैं। साथ ही बिहार सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। गौरतलब है कि छपरा में जिला प्रशासन के द्वारा जहरीली शराब से 73 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कई मरीजों का बेहतर इलाज के लिए पटना के विभिन्न अस्पतालों में भी भेजा गया है। यार पीछे हो जाओ यार, अपने भाई जी आखिरी लोग देखे थे ना, तो बस बस मिलवाने तो दीजिए परिवार में, बच्चा लोग उसका किशोर जी आप बोल रहे और कौन बच्चा कितना, ये तीनों बच्चा पति और बच्चा लोग, बच्चा नहीं बेटा, दो बच्ची, दो को बेस्टी दो बेटी आगे जाइए आगे जाइए। क्या उम्र भाई, मेरा जी बेटी की क्या उम्र बेटी का, बताओ सब परिवार से। अच्छा छोटा भाई कोई सहारा नहीं है सर, उनको कबारी ये काम करते था सर जी, कोई सहारा नहीं है सर। दो भाई थे जी, दो भाई दोनों का जी सर, एक इनका जाऊ तो और एक इनका हस्बैंड और इनका एक बेटा पांच यहाँ से और एक जस्ट बगल में एक और छोटा वाला का, एक थोड़ा लड़की है एक महीना के, एक महीने आठ दिन आठ दिन साल नहीं हुआ, साल नहीं हुआ थोड़ा सा पीछे आप लोग भाई, लोकल जो गांव के लोग हैं उनसे कृपया थोड़ा आप लोग जगह दीजिए, जो मिलने उनसे मिलने दीजिए, उनको बैठा दीजिए, दादी को बैठा दो, कुर्सी दो, कुर्सी दो थोड़ा है भाई साहब, और मीडिया और इनको छोड़ के बाकी लोग थोड़ा किनारे हो जाइए।